जो है रास्ता बराबर है नहीं, आप यहाँ पे आके गौतम बुद्ध की जय। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दोस्तों आज की जो वीडियो है जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुन के काफ़ी सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा और काफ़ी सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज के लोग हैं वही लोग जो महापुरुष होते हैं उनकी विटंबना करते हैं, उनकी विचारधारों की हत्या करते हैं। वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या रीज़न है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? दोस्तों मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जो कि टाकर घाट का था और वहाँ पे ऐसी कईयों ऐसी कर्मकांड है जो कि वहाँ पे चल रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टाकर घाट की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ और विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे विदर्भ पूरे महाराष्ट्र तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी टाइप के मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और आने वाले दिनों में मेरी ब्लॉगिंग भी आने वाली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है टाकर घाट के बारे में। टाकर घाट में एक वित्तवाले बाबा का मंदिर है, उसे मंदिर ही कहेंगे, बुद्धिहार तो कहेंगे नहीं। तो वो मंदिर है तो वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, जो डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा, सम्राट अशोक जयंती, जितने भी कार्यक्रम होते हैं बहुजन समाज के सारे मनाते हैं। और एक तरफ सबको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर बाबा अम्बेडकर गौतम बुद्ध के विचारों से एक निष्ठ है, और दूसरी तरफ ही कर्मकांड करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि इत्ते वाले बाबा का जो मंदिर है नागपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे बुट्टी बोरी में एक टाकर घाट करके एक गाँव है, वहाँ पे इत्ते वाले बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं और पूजा अर्चना, किसी के आंग में भूत आते हैं, भगवान आते हैं, नारियल फूल, जितने भी हिंदू धर्म की परंपरा होती है सारे गुण वहाँ पे अपनाए जाते हैं। और जितने भी लोग हैं सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं। एक तरफ दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ कि वहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बिल्कुल जस्ट बाजू में इत्ते वाले बाबा का फोटो भी लगाया है। दोस्तों देखिए वो बाबा इतने महान हो गए कि उसको जो भगवान गौतम बुद्ध है उनके बाजू में बैठा दिया, वो स्थान दिया गया। तो सोचिए दोस्तों ये विदर्भ में हो रहा, और विदर्भ में ये एक ही जगह नहीं है, और एक जगह है, वहाँ पे जाऊँगा विस्तार में, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। दोस्तों साइड में स्क्रीन में आपको हर चीज़ दिखा रहा हूँ, आप मेरे साइड में देख सकते हो, हर एक चीज़ से आपको रूबरू करा देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इत्ते वाले बाबा है कौन, और हमारे बुद्धिस्ट समाज के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यों जाते हैं और इस बाबा को क्यों मानते हैं और इतना पूजा अर्चना और इनके आंग में भगवान भगवान क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इत्ते वाले बाबा है कौन। दोस्तों इत्ते वाले बाबा जो टाकर घाट एक गाँव है वहाँ पर एक गरीब परिवार था। गरीब परिवार में एक बालक जन्मा। उस बालक के माता पिता का ऐसा कहना था जब बालक जन्मा था तो वो रोया नहीं, 7 दिनों तक वो रोया नहीं और बिन दूध पिए वो जगा रहा। तो सारे लोग आश्चर्यजनक हो गए, ये कौन सा बालक है, ये पैदा होते जैसी ये रोया नहीं और 7 दिन तक इसने दूध भी नहीं पिया और 7 दिन बाद इसने रोया। तो काफ़ी सारे लोगों को एक चमत्कार लगा। तो ठीक है, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको स्कूल में डाला। स्कूल में डालने के बाद जो बाबा है उन्होंने क्या किए कि उन्होंने एक पार्टी है जिस पे हम लिखते हैं, वो जो टीचर है उनके सर पे फोड़ दिया। फोड़ने के बाद वो जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने कई दिनों तक कांदा भाकर, जो मराठी में कहते हैं कांदा रोटी, तो उसके साथ उसने अपना जीवन बिताना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके जो पिताजी है उनके पिताजी को ऐसी बहुत सारे जो बातें हैं वो नहीं पसंद आती थी, क्योंकि वो किसी को भी गालियाँ देते थे, किसी को भी पत्थर मारते थे। स्कूल में मैंने आपको जो घटना बताया तो ऐसी कई सारी चीज़ें वो करते थे। उसके बाद उनके पिताजी ने निश्चित किया कि वो जो है इत्ते वाले बाबा के आंग में बेड़ा डाल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, बेड़ा लाए और उनके अपने पैरों में हाथ में बांध दिया और नंगा करके। तो ये करने के बाद जो इत्ते वाले बाबा का कहना था कि मेरे माता पिता ने मुझे बेड़ा डाल दिया,
अभी मैं मरते दम तक उनकी आज्ञा का पालन करूंगा और ये बेड़िया से मैं नहीं निकलूंगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो बाबा है उन्होंने आते जाते जो भी लोग है उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसे चलते चलते कुछ लोग क्या करते थे, आपको पता है पहले ज़माने में लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर देख के सट्टे का नंबर निकालना स्टार्ट कर देते थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते थे, सट्टा उट्टा ये सब यानी नंबर ही निकालते थे, तो उन लोगों को वो नंबर लग जाते थे। तो वो लोग एक चमत्कार समझ के उनको नमस्कार करने जाते थे, उनके लिए गिफ्ट्स लेने देने जाते थे। ऐसी करते करते ये जो है अंधविश्वास बढ़ते गया। ऐसी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आने लगे। वो जो गालियाँ देते थे वो गालियों के ऊपर सट्टे का नंबर निकलता था और लोग उसको चमत्कार समझ के सट्टे का नंबर खेलते थे। ऐसी करते करते प्रचलित हुआ। प्रचलित होने के बाद ऐसा लोग गिफ्ट लाना स्टार्ट किए। तो गिफ्ट लाने के बाद दोस्तों जो बाबा थे वो मनोरुग्ण थे, क्योंकि उनके जो माता पिता ने उनको इलाज के लिए नागपुर के मेडिकल में लाया था, तो डॉक्टर ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। उन्होंने बता दिया मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है तो ऐसा इसलिए ये बालक है करके, तो डायरेक्ट मेंटली की सर्टिफिकेट उनके हाथ में थी, तो उनको हम मनोरुग्ण कहते हैं। तो ये डायरेक्ट निश्चित था। दोस्तों इंसान कितना भी मनोरुग्ण हो या एकदम बूढ़ा हो जाए या बच्चा हो जाए, वो महापुरुषों को जानता ही है, क्योंकि हम उस परिवार में उस माहौल में रह के होते हैं। तो हम ये चीज़ को कभी भूलते नहीं है कि लोग सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे लोग उनके लिए जब सट्टे का नंबर लग जाता था तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाते थे। गिफ्ट लेके जाने के बाद तो जो बाबा है उनका ऐसा कहना होता था कि ये गिफ्ट मेरे को मत दो, मेरे माँ बाप को दो। तो माँ बाप कौन, वहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा थी, तो वो बाबा उनके तरफ हाथ दिखा था तो इनको दो। तो लोग उनको ही उनके साथ जोड़ने लग गए कि ये अवतार है। एक अवतार करते करते प्रचलित हो गया। तो प्रचलित होने के साथ ये बुद्ध धर्म को भी जोड़ गया, यानी बुद्ध को भी जुड़ गया, जो अंधविश्वास है उस पर जुड़ गया। तो ऐसे ही दिन चलते चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ पे ही उनकी समाधि बनाई गई। समाधि बनाने के बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आने लगे, अपने दुख पीड़ा उनको बताने लगे। और लोगों का ऐसा कहना था कि वो सांप का अवतार लेके, नागोबा का अवतार लेके उनके सपनों में आते हैं और उनके जो प्रश्न है, उनके जो जो भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व करते हैं। तो ऐसी लोगों का कहना है, लोगों की भावना है। और साइंटिफिक रीज़न से हम सोचेंगे दोस्तों, तो साइंटिफिक रीज़न से अपन जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ हम सोच के सो जाते हैं हमारी प्रॉब्लम, तो वो उस टाइप के हमको सपने आते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है, सबको पता है। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध, उनको भी हम भगवान गौतम बुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि गौतम बुद्ध ने डायरेक्ट कहा है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ओनली मार्गदाता हूँ, मैं सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ। तो लोगों ने उन्हें भी भगवान बना दिया, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में कहा हूँ कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध। तो बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, तो उनको भी भगवान बना दिया गया। दोस्तों अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट कुछ ऐसा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूर्णिमा के दिन जाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती नारियल पूजा अर्चना आरती होती है, सब कुछ होता है। पर वहाँ पे एक जो चीज़ है वो काफ़ी सारे लोगों को विचलित करती है। वो ऐसा कि एक तरफ मंदिर है और उसी जो एरिया में है तो उसके जस्ट बाजू में एक बुद्ध विहार भी है, जहाँ पंचधातु की भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा भी है। और वहाँ का जो ट्रस्टी है, अच्छा खासा काम वहाँ पे चालू है, पंचशील के ध्वज से लेके हर चीज़ वहाँ पे बुद्ध धर्म के अनुसार किया जाता है। पर जस्ट उसके बाजू में वही परिसर में इत्वाले बाबा का मंदिर है, ये विहार है और ये इत्वाले बाबा का मंदिर है। वहाँ कर्मकांड किया जाता है जो हिंदू धर्म से संपर्क रखता है, जैसे कि अगरबत्ती लुभान जो भी कुछ है, नारियल ढरत कुकू आग में आना। दोस्तों मैं आपका दोस्त नेहाल पाटिल आज आया हूँ नागपुर के टाकर घाट में, और यहाँ पे कुछ भक्त है मुझे मिले हैं, इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। तो यहाँ पे आए तो आपको कैसी क्या फील होता है? अच्छा, मेरे यहाँ पे जबान खुली। किस बारे की जबान खुली? मेरे को बात करना नहीं आ रहा था, मेरी जीभ काटी थी। किसने काटी थी? पता नहीं, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, पर ये पता है कि जुबान काटी थी। यहाँ पे खुली मेरी जुबान। फिर उसके बाद यानी कैसा फील हो रहा था, यानी बात करना नहीं हो रहा था? हाँ, अभी करी ना मैंने बात। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को जरूरत है वो यहीं पे आए। किस चीज की? ये जादू।
जादू टोना और कुछ हाँ, जिनकी तबीयत खराब है वो लोग, जिनका स्वास्थ्य बराबर है नहीं, आप यहाँ पे आके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ सवालात कर रहा था, इतने में थोड़ा कुछ अलग ही फील हुआ है। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ समझती नहीं कि जो भूत प्रेत या भगवान आते हैं ये सिर्फ गरीब लोगों के आंग में ही क्यों आते हैं, किसी रईस के आंग में क्यों नहीं आते? आपने कभी देखा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये चीज़। तो वैसे ही वहाँ पर चलता है। जब मैं वहाँ पर मंदिर में गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि इत्तु वाले बाबा के वहाँ पर मूर्ति है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी जो भी मनोकामना है उनको बताते हैं। थोड़ा आगे और गया मैं, आगे जाने के बाद वहाँ पे मैंने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध की बिल्कुल जस्ट बाजू में जो इत्तु वाले बाबा है उनकी फोटो लगाई गई है। दोस्तों मैं किसी की विटंबना नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा। अभी हर किसी के अलग अलग श्रद्धा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया है तो सबको अपना अपना अधिकार है, सब अपनी विचारधारा अपने मन से रख सकते हैं। पर एक चीज़ विचलित है कि भगवान गौतम बुद्ध के जस्ट बाजू में इत्तु वाले बाबा की तस्वीर लगाई गई है। भगवान गौतम बुद्ध जो पूरे विश्व में जिनका धर्म असर प्रसार है और साथ ही साथ जो इत्तु वाले बाबा है वो सिर्फ विदर्भ तक ही सीमित है, विदर्भ के बाहर इनको कोई नहीं पहचानता। तो इतने बड़े महान इंसान के बाजू में इत्तु वाले बाबा की तस्वीर लगाई गई तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को विचलित कर देती है। और दूसरी चीज़ कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध खुद कहते हैं कि चमत्कार जैसी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, नर्क भी यही है स्वर्ग की यही है, क्योंकि जो ये चीज़ सोचता है वो नर्क से कभी वापस नहीं आता और जो चीज़ नहीं सोचता है उसको यही करना है और यही भुगतना है, ये तथागत गौतम बुद्ध के उद्देश्य है। और ऐसी काफ़ी सारे उद्देश्य है, ऐसी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएंगी, काफ़ी सारे इसके ऊपर वीडियोस रील्स हर कुछ बना है, आप सबको पता ही होगा। और एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दोस्तों इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, बाद में मुझे कमेंट करके आपकी राय ज़रूर बताना कि ये चीज़ कहाँ तक की ठीक है और कहाँ तक की ठीक नहीं है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, अभी 14 अप्रैल आने वाली है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 10-15 दिन बाकी है और 10-15 दिन के पहले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो उस समय बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी और 22 प्रतिज्ञा में तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के कोई भी कर्म कांड को मानूंगा नहीं। दोस्तों मुझे मराठी में याद है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो ऐसा खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, चमत्कार नाम की ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, चमत्कार को नमस्कार। ठीक है, विज्ञान की ओर बढ़ो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति थे जिनका भीम जयंती 152 देशों में मनाया जाता है। दोस्तों मामूली नहीं है, 52 देश। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि समाज को कीचड़ से उठा के कहाँ डालना है, नरक में नहीं डालना है, इसलिए उन्होंने सोच समझ के बुद्ध धर्म अपनाया। क्योंकि बुद्ध धर्म एक ही चीज़ बताता है कि यही नरक है यही स्वर्ग है, विज्ञान की ओर लेके जाता है, पर्यावरण की ओर लेके जाता है। उन्होंने साफ अपनी स्पष्ट भाषा में उन्होंने समझाया है। तो इनकी भी विचारधाराओं से वो बाबा की विचारधारा मैच नहीं करती और तथागत गौतम बुद्ध की भी विचारधारा से ये चीज़ मैच नहीं करती, तो कौन से उद्देश्य से वहाँ पे गौतम बुद्ध की बिल्कुल बाजू में उसकी फ़ोटो लगाई गई हो बाबा की? दोस्तों मैं किसी की विडम्बना नहीं कर रहा, पर जब विचार ही नहीं मिल रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे ऐसा क्यों? दोस्तों कहीं ना कहीं जितने भी महामानव है उनकी विचारों की हत्या हो रही है और ये अपने ही लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको चिकल से निकाल के सर पे बैठा ला, उनके सर पे ताज रखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पढ़ो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। ये पढ़ भी लिए, संगठित भी हो गए और संघर्ष करना इनको आता नहीं, इनको जाना है वही कीचड़ में वापस और वही चीज़ करना है। दोस्तों ऐसा है समाज, और लोग कहते हैं दूसरों को यानी टारगेट करते हैं, पहले खुद भी देखना पड़ता है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़
नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दिया, ऐसी कोई चीज़ होंगी बाकी होंगी, अगर आपको मेरी वीडियो गलत लगी होंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये भी ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को आप कौन से शहर से कौन से राज्य से देख रहे हो, मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और प्लीज़ गाइस, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अपने ही लोग अपने को ही गालियाँ देते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है। मुझे कई कॉल कई मैसेज आ चुके हैं इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो बना सकूँ। और आने वाले दिनों में मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, जो कि भीम जयंती, और मैं इधर उधर जाते रहता हूँ, जो भी पुराने पुरातत्व विभाग की ओर से होते हैं, जो बोधि स्तूप होते हैं, हर जगह में जाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आपको वो भी मेरी वीडियो आप तक जल्दी आएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय और जय भीम। और कमेंट में दोस्तों आपकी राय मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मुझे जानना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।